अनबीटेबल जिंदगी 2.0 से मैं विकास। कोरोना वायरस हम इंसानों के लिए महामारी जरूर है, लेकिन प्रकृति माता के लिए वरदान साबित हो रहा है। इस कोरोना वायरस ने विश्व को क्या दिया है और एक अलग दृष्टि से देखें तो मानव जीवन को भी एक नया संदेश मिला है। ये सब हम आज कुछ बिंदु पे समझेंगे। कोरोना वायरस के बाद इटली के वेनिस नामक सिटी में शुद्ध पानी बहने लगा है और ऐसे ही रिपोर्ट अनेक जगहों से आ रही है। हवा शुद्ध हो रही है, पानी शुद्ध हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति माता ने स्वच्छता अभियान चला के रख दिया है। दोस्तों, ऐसे माहौल में कोई भी खुश नहीं होना चाहिए, लेकिन ये देखिए, नोएडा की सड़कों पर नीलगाय का आना, मुंबई के मरीन ड्राइव पर डॉल्फिन का आना। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डॉल्फिन फ्रेश वाटर में ही आती है। एक तरह से देखें तो बचपन में हमें ये सिखाया गया था कि सारे प्राणियों में इंसान सबसे बुद्धिमान होता है, लेकिन इस लॉकडाउन के बाद ऐसा लग रहा है कि हम मूर्ख इंसान ही प्रकृति के असली दुश्मन हैं। अंग्रेजी में सिखाया गया है, ह्यूमन इज़ द बेस्ट क्रिएशन ऑफ मदर अर्थ, लेकिन सच्चाई ये लग रही है, ह्यूमन इज़ द वर्स्ट क्रिएशन ऑफ मदर अर्थ। धरती को माँ मानने वाले मानव नहीं, अपनी माँ को ही बहुत पीड़ा दी है, और आज प्रकृति माता ही हमें आईना दिखा रही है। इस धरती माता ने हमें रहने के लिए जगह दी, खाने के लिए अन्न दिया, लेकिन क्या हालत हमने करके रख दी, सोचने जैसा विषय है। अभी 21 दिन तो हम योगा कर सकते हैं, आसमान में दूषित हवा नहीं है, सुंदर सुंदर पक्षी उनकी गूंज सुनाई दे रही है, लेकिन उसके बाद क्या? कई लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन यह सच है कि हम इंसान लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। ऐसा नहीं है, प्रकृति ने हमें चेतावनी नहीं दी है, अनेकों बार ये सुनामी, भूकंप, क्लाइमेट चेंज का, एटमॉस्फेयर का घटना बढ़ना कि मुझे परेशान मत करो, लेकिन हम कहाँ सुनने वाले थे। ये सारा माहौल जो बन रहा है, सब एक तरह से प्रकृति के द्वारा एक संदेश है हमारे लिए कि तू तो कैसे भी जी लेगा, लेकिन तेरी अगली पीढ़ी, तेरी नेक्स्ट जनरेशन का क्या, आने वाले भविष्य का क्या, आने वाली पीढ़ी का क्या, आने वाली पीढ़ी का सोच, अन्य प्राणियों का तो सोच। आज हमें सबक लेने की ज़रूरत है कि यदि हमने अपने स्वार्थ को नहीं छोड़ा और कोरोना के बाद भी यदि वैसा का वैसा माहौल रहेगा तो प्रकृति एक नया स्वरूप लेकर के आएगी। और दोस्तों, प्रकृति का शोषण किस वजह से होता है, उन सब कारणों की एक लिस्ट बननी चाहिए, फिर सब देशों की सरकारों को, नेताओं को, अधिकारियों को, हम आम नागरिकों को कुछ ना कुछ बदलाव लाना होगा, वरना हमारा भविष्य संकट में आ जाएगा। सूरज आज भी अपने समय अनुसार ही उगता है, चाँद भी दस्तक दे रहा है, हवा भी बह रही है, समंदर भी आज अपने मर्यादा में बह रहे हैं, प्रकृति धोखा नहीं दे रही हमें, तो हम क्यों प्रकृति को धोखा दे रहे हैं। दोस्तों, कोरोना वायरस एक बहुत बड़ी सीख ये है कि हम आम इंसान सोचते हैं कि दुनिया हम इंसानों से चलती है, इंसान तो रुक गया, कैद हो गया, लेकिन दुनिया चलती जा रही है। 21 दिन का लॉकडाउन है, इस दौरान और भी बहुत कुछ हमें देखने को मिलेगा। आपको क्या एहसास हो रहा है, आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और प्लीज़ आप अब प्रकृति माता का ध्यान दीजिए। इन सारे विषयों पर अपना राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और आपको यदि लगता है कि ये वीडियो शेयर करने जैसा है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिएगा। आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, अनबीटेबल जिंदगी 2.0 को। धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू सो मच।